हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे कुछ महत्वपूर्ण इतिहास से संबंधित आपके क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। ये सभी आपके ऑब्जेक्ट रूम में हैं। याद रखिए 700 क्वेश्चंस हम लोग लगभग ख़त्म कर चुके हैं, 701 से हमें बात करनी है। तो 701 वा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? तो याद रखना है शिवाजी। कौन थे? शिवाजी थे गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा दूसरा, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया था? तो ये था आपका पुरंदर की संधि। मुगलों और शिवाजी के बीच हुई थी पुरंदर की संधि। क्वेश्चन अगला हमारा है तीसरा, शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की? शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने प्रदान की थी। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा चार, शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? तो शिवाजी के राजनीतिक गुरु और संरक्षक थे उनके दादा दादाजी कौंडदेव। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा सातवां, 705वां, किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है? माधवराव को अंतिम महान पेशवा कहा जाता है। पांच का डी। क्वेश्चन है छठवां, मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला थी आपकी ताराबाई। क्वेश्चन नंबर छठवें में आपका बी। क्वेश्चन है हमारा सात, भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी पुर्तगालियों द्वारा। किसके द्वारा? पुर्तगालियों द्वारा। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा आठ, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने। क्वेश्चन है हमारा नौवा, किसने महिलाओं के लिए वामाबोधिनी पत्रिका निकाली? तो ये थे आपके केशव चंद सेन। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा दस, राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली? तो ये थे आपके रामचंद्र विद्यावागीश। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 11, क्या है क्वेश्चन? सर टॉमस मनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित थे? तो ये थे रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 12, राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर निम्नलिखित में से किस स्थापना से जुड़े थे? किसकी स्थापना से जुड़े थे? तो याद रखना है हिंदू कॉलेज की स्थापना से आपके राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर दोनों जुड़े हुए थे। क्वेश्चन है हमारा 13, किसके प्रयासों के कारण ब्रह्म समाज की शाखाएं उत्तर प्रदेश पंजाब व मद्रास में खोली गई थी? तो आपको याद रखना है केशव चंद सेन की प्रयासों से। ठीक है, 13 का आपका ए है। क्वेश्चन है हमारा 14, क्वेश्चन है 14, राजा राम मोहन राय किससे संबंधित नहीं है? तो ये है आपके संस्कृत शिक्षा से संबंधित नहीं है, विधवा पुनर्विवाह से संबंधित है, अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है, सती प्रथा से संबंधित है, लेकिन इसमें होगा डी। क्वेश्चन है हमारा 15, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना आपकी की थी सैयद अहमद खान ने। ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है हमारा 16, फारसी साप्ताहिक मिरात उल अखबार को प्रकाशित करते थे? फारसी साप्ताहिक मिरात उल अखबार को प्रकाशित करते थे राजा राम मोहन राय। सी ऑप्शन सही है।
क्वेश्चन है हमारा 17। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? तो याद रखना, गोपाल हरी देशमुख को। गोपाल हरी देशमुख को। क्वेश्चन है हमारा 18। बिरसा मुंडा किस के पक्ष में थे? झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड। गलत है, इनमें से कोई नहीं। क्या हुआ? डी ऑप्शन हुआ। क्वेश्चन है हमारा 19। छोटा अनंगपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ? ये हुआ था 1820 में। क्वेश्चन है हमारा 20। गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तिनकटिया पद्धति से। बिहार में चंपारण सत्याग्रह आपका बिहार में हुआ था। क्वेश्चन है हमारा 21। अपने पिता की हत्या करके निम्नलिखित में से कौन गद्दी पर बैठा? तो ये था आपका अजात शत्रु। क्वेश्चन है हमारा 22। अवंती का राजा कौन था? अवंती का राजा चंद्र प्रभोत था। क्वेश्चन है हमारा 23। बुद्ध का जन्म किस वंश में हुआ? बुद्ध का जन्म शाक्य वंश में हुआ था। क्वेश्चन है हमारा 24। अजात शत्रु के बाद मगध में किसका शासन स्थापित हुआ? तो यह था उदयन। सी ऑप्शन सही हो। क्वेश्चन है हमारा 25। औद्योगिक क्रांति निम्न में से किस देश में सर्वप्रथम प्रारंभ हुई? इंग्लैंड में। 25 में आपका बी है। क्वेश्चन है 26। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप समाज में कौन सा वर्ग उत्पन्न हुआ? पूंजीपति वर्ग। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 27। किस आविष्कार ने कपास उद्योग को बढ़ावा देने में मदद की? फ्लाइंग शटल ने। क्वेश्चन है हमारा 28। राजा को मंदिर का धन जब्त कर लेना चाहिए, यह कथन किसने कहा था? तो ये कहा था कौटिल्य ने। कौटिल्य ने। क्वेश्चन है हमारा 29। भारत अरब नहीं है, इसे दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है, यह कथन किससे संबंधित है? तो यह आपका इल्तुतमिश से। क्वेश्चन है हमारा 30। मेटरनिक कहां पर का चांसलर था? तो यह था आपका ऑस्ट्रिया का। क्वेश्चन नंबर 30 में आपका बी होगा। क्वेश्चन है हमारा 31। फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण था? निरंकुश शासन। 31 में बी। क्वेश्चन है 32। फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वेना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? तो यह था आपका बूर्बो वंश। 32 में ए। क्वेश्चन है हमारा 33। गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? तो ये थी आपके एवेनेजर हावर्ड। क्वेश्चन हमारा 34। निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? महेंद्र सिंह टिकैत। क्वेश्चन है 35। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक। छत्तीस क्वेश्चन है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? फ्रैंकफर्ट की संधि आपकी 1871 में हुई। क्वेश्चन है हमारा 37। साम्यवादी घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ? तो 1864 में।
आपका साम्यवादी घोषणा पत्र विकसित हुआ। क्वेश्चन है हमारा 38, मेहमत पूर्वज है हाथी का, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 39, पानीपत का तीसरा व अंतिम युद्ध कब हुआ, तो ये हुआ था आपका 1761 में। कब हुआ था? 1761 में। याद रखिए पानीपत का पहला युद्ध 1526, दूसरा युद्ध हुआ 1556, तीसरा हुआ आपका 1761 में। क्वेश्चन है हमारा 40, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक था धर्मपाल। क्वेश्चन है हमारा 41, क्या है, सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया उस समय मगध का शासक कौन था, तो ये था नंद वंश था। क्वेश्चन है हमारा 42, निम्नलिखित में से किस ग्रीक शासक को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था, तो ये था आपका सेलुकस निकेटर। क्वेश्चन है हमारा 43, वैदिक काल में सामाजिक विभाजन का आधार था व्यवसाय। क्वेश्चन है हमारा 44, दिव्य जीवन संघ के संस्थापक कौन थे, स्वामी सेवानंद, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 45, सात पगोड़ा के नाम से प्रसिद्ध पत्थर काट का कर बनाए गए मंदिर बनाने वाले थे पल्लव, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 46, निम्नलिखित तमिल विद्वानों में से कौन राजवंशी था, तो ये था ए लंगू, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा 47, बीरबल का असली नाम था, बीरबल का असली नाम था महेशदास। क्वेश्चन है 48, भारत में खरोष्ठी लिपि को किसने स्थापित किया, ईरानियों ने। क्वेश्चन है हमारा 49, स्वर्ण मंदिर किससे संबंधित है, सिख से संबंधित, सिख धर्म से संबंधित। क्वेश्चन है हमारा 50, खालसा पंथ के संस्थापक थे गुरु गोविंद सिंह, खालसा पंथ के संस्थापक थे आपके गुरु गोविंद सिंह। दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जाफर। क्वेश्चन है हमारा 52, चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया, शैव धर्म को। क्वेश्चन है हमारा 53, यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी, तो ये थे देवगिरी। तो चलिए ये थे आपके 753 क्वेश्चंस तक हम लोग देख चुके हैं। याद रखिए ये सभी क्वेश्चंस आपके वन डे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि इसी तरह से आपके वन डे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फिर चाहे आपका SSC हो, बैंक हो, रेलवे हो, या किसी स्टेट का कोई एग्ज़ाम हो, ठीक है, स्टेट पुलिस होता है, SI, इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो चलिए आगे हम लोग इसी तरह की बात करेंगे, आपके भूगोल के भी देखेंगे और कुछ पुस्तक देखेंगे, उनके नाम भी देखेंगे हम लोग इसी तरह ऑब्जेक्टिव रूम में, ठीक है।